बड़ा चीप रिस्पॉन्स। ये तो दिख ही रहा है कि आजकल शाहरुख का सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं खो सा गया है। एक नहीं, पिछले कुछ इवेंट्स में शाहरुख का सेंस ऑफ ह्यूमर पटरी से उतरकर चीपनेस की राह पकड़ चुका है। लड़कियां कपड़े पहनाएं, मुझे बिल्कुल भाता नहीं है ये। इट्स एन इंसल्ट टू मी एंड इवन अर्जुन टेक्स इट एज एन इंसल्ट। उतारे वो हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा चीप लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आप किस मामले में खुद को चीप बता रहे हैं किंग खान? तो आपको बता दें कि शाहरुख को साइज को लेकर प्रॉब्लम होती है। मुझे एक तो साइज़ में बड़ी तकलीफ होती है। कोई बात नहीं शाहरुख मियां, ये तो कोई नई बात नहीं। आप अपनी फिल्म रावण को ही ले लीजिए। दिन ब दिन महंगी पर महंगी होती जा रही है आपकी ये फिल्म। क्या यही प्रॉब्लम है किंग खान की या फिर बात है कुछ और? कितनी लड़कियों के साइजेस अपने पास रखूं? ओहो, हमें तो लगा था शाहरुख मजाक कर रहे हैं, पर भाई शाहरुख तो वाकई थोड़े चीप होते जा रहे हैं। मैं बड़ा चीप हूं इस मामले। और ऐसा कहकर जिस बात के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे किंग खान, वो भी सुन ही लीजिए, क्योंकि ये सब चक्कर था एक ज्वेलरी ब्रांड को एंडोर्स करने का। किंग खान यहाँ जब एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने पहुँचे तो उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए पहले वार्निंग दी और फिर रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया। अलग अलग उंगलियों के साइजेस होते हैं, कान का साइज अलग होता है, नाक का साइज अलग होता है, तो मैं अपनी पैंट का साइज भूल जाता हूँ, तो इतने सारे साइजेस कैसे याद रखूं? किंग ऑफ बॉलीवुड को ये सब शोभा नहीं देता। वैसे शाहरुख अपने जिस सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, उसकी भी झलक मिल ही गई यहाँ, जब उन्होंने ज्वेलरी को लेकर किया कुछ ऐसा कमेंट। मर्दी जो है औरत का गहना, तो मैं गले लगा के प्यार कर लेता हूँ कि यही तुम्हारी ज्वेलरी है।